नमस्कार दोस्तों, गजानंद मार्शल आर्ट में आपका स्वागत है। आज आपको मैं चेरुबड़ी का प्रयोग चार बताऊंगा। ध्यानपूर्वक देखिए, विभाग से एक में दाया पैर दाई तरफ खोलना और रोध लेना ऊपर का दोनों हाथों से पकड़कर, एक दोनों पैरों पर समान वजन, कमर एकदम सीधी आगे झुकते हुए पूरा वेट दबाना। विभाग से दो में आगे मार लगाना कंठपट्टी पे, दाया पैर आगे बढ़ाते हुए पूरा, ये पैर सीधा रहेगा एकदम दाया पैर, और बाया पैर थोड़ा तिरछा रहेगा और दोनों पैरों पर समान वजन रहेगा। तीन तीन में पीछे मार लगाना, तीन में उस टाइम मार लगाई वापस पैर सीधा हो जाएगा। तीन में चार में तीसरे मोड़ की ओर बढ़ना, पीछे वापस ही उस टाइम मार लगाना, पूरा देखना यहां से दबते हो जाना और पूरा उस टाइम मार लगाना। ये पंजा जो पैर आगे रहता है जिधर मार लगती है उस पैर का पंजा एकदम सीधा रहना चाहिए, प्रत्येक बार ये स्थिति अच्छी आनी चाहिए। पीछे जाते समय ये जो हाथ पकड़ते हैं ये यहाँ चेंज करना, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं इधर से पकड़ते हैं, इधर से नहीं पकड़ना, इधर से यष्टि को पकड़ना और मार लगाना, हाथ में वापस गोल पैक मार लगाना, पैर आगे ले जाना, पैर को नजदीक से ले जाना, पैर को पूरा नजदीक से ले जाना, वापस पोस्ट की मार लगाना पूरा दबते हुए, पैर का पंजा हमेशा सीधा रहे ये ध्यान रहे। सात में वापस तीसरे मोड़ पर आगे बढ़ते हुए पोस्ट की मार लगाना, पंजा सीधा रहे। आठ में बाया पैर तीसरे मोड़ की ओर ले जाना, आगे नहीं बढ़ाना, बाएं पैर के बराबर ले जाना और रोध लेना पूरा, फिर उसी काम को तीसरे मोड़ से शुरू करना, पहले मोड़ पर बढ़ना। एक दो में पीछे की ओर पहले मोड़ की ओर पोस्ट टाइम मार लगाना, पंजा हर बार सीधा रहेगा, वापस फिर पोस्ट टाइम मार, फिर कोष्टा, फिर कोष्टा, फिर कोष्टा, फिर मार बढ़ाना और पैर मिलाना, यष्टि चेंज करना बाएं हाथ से। विभाग सा एक रोध दो में सामने मार पहले मोरे पर, पंजा सीधा, फिर कोष्टा की मार, पंजा सीधा, फिर वापस कोष्टा की मार, फिर कोष्टा, फिर कोष्टा, फिर कोष्टा, फिर पैर मिलाना, रोध, अब इस काम को गति से दोनों हाथों से पूरा प्रयोग गति के साथ कैसे प्रकार करना देखिए। तो दोस्तों इसी प्रकार नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। पैरों को पंजे जब मार बढ़े तो उस ओर सीधा होना चाहिए,
ये ध्यान रखिए, यष्टि की पूरी ताकत के साथ रेंज बढ़ाते हुए और पूरे बॉडी को स्ट्रेस करना, इस प्रकार आप लोग रोजाना अभ्यास करते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।